खबर गौड़ा से। गौड़ा में घाघरा नदी का घटता बढ़ता जल स्तर हजारों लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते बेराजों से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते घाघरा नदी एल्गिन चरसड़ी ब्रिज पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। घाघरा नदी तटबंध और रिंग बांध को छूकर बह रही है, जिससे तराई क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत है। ताजा मामला कर्नलगंज तहसील के चंदापुर किटोली गांव स्थित एल्गिन चरसड़ी तटबंध का है। चंदापुर किटोली गांव के पास घाघरा नदी बांध को छूकर बह रही है। नदी में बहाव तेज होने के चलते बांध में पिछले दिनों से कटान लगातार जारी है। अब सिंचाई विभाग व बाढ़ कार्यखंड के अधिकारी आनन फानन में कटान को रोकने के लिए पॉकलैंड और जेसीबी की मदद से ईट बालू से भरी बोरियां वो पेड़ की टहनियां और बोल्डर को जाल काट कर डालकर कटान रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बांध में कटान होने के चलते यहां के ग्रामीणों में दहशत है। गौरतलब है कि वर्ष 2012 में चंदापुर किटौली के पास ही तटबंध के कटने से लाखों की आबादी प्रभावित हुई थी, और वहीं इस बार भी 9 साल के बाद तलहदी इलाकों में दहशत है। फिलहाल जिला प्रशासन इस आपदा से निपटने के लिए सभी बाढ़ चौकियों को सक्रिय करने की बात कर रहा है। बाढ़ चौकियों पर तैनात अधिकारी लगातार बांध की निगरानी में जुटे हुए हैं। साथ ही बाढ़ कार्यखंड के अफसर भी तटबंध पर अपना आशियाना बनाकर मुस्तैद हैं और व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लगातार दिन रात तटबंध की मरम्मत के कार्य पर नजर बनाए हुए हैं। जैसा आप अवगत है कि हमारे जनपद गोंडा में कर्नलगंज और तरफगंज तहसीलें बाढ़ से प्रभावित होती हैं। कर्नलगंज तहसील में चंदापुर किटौली के पास जो है वो जो दो अस्पर हैं 36050 और 36200 के बीच में, वो परसों से जो है वो कटान दिनांक 22 से कटान की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इस समय जल स्तर जो है वो लगातार घट बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमारे जो कटान है उसमें हमारे बाढ़ कार्यखंड की टीम पूरी लगी हुई है और पूरे शिद्दत से कार्य कर रही है, और हमारी जो कटान की स्थिति है उसको कंट्रोल कर लिया गया है और स्थिति नियंत्रण में। जैसा कि यहाँ पे अभी आप बता रहे हैं स्थिति नियंत्रण में है, तो जो दबाव यहाँ पर है क्या वो आगे चलकर कहीं और नुकसान नहीं पहुंचा सकता है? उसको टेक्निकली किस तरह देखा जा रहा है और वहां पर क्या बचाव किया जा रहा है? देखिए, ये जो हमारी अभी लगी हुई है यहां पर हम राहत कार्य पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं, और आगे पूरे बंदे पर हमारी जो टीम है वो लगी हुई है, पेट्रोलिंग कर रही है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है, अगर कहीं ऐसी स्थिति बनती है तो हम ऐसे राहत कार्य करते हैं। रात में जैसा कि यहाँ कोई खतरा ना होने पाए उसके लिए आगे क्या व्यवस्था? उसके लिए हमारे बार कार्यखंड की जो पूरी टीम है और तहसील की टीम संयुक्त रूप से इस पर लगी हुई है और लगातार नजर प्रभावित होगी, उसकी क्या व्यवस्था की गई है? ये तहसील से हमारे जो इससे संबंधित गांव है और ये जो प्रभावित होने वाले गांव है और उसमें पूरे परिवार की और पूरे आबादी के पशुओं की संख्या की, इसकी लिस्टिंग की जा चुकी है। अगर